अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का व्लॉग मैं बहुत लेट स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी मसरूफ़ थी, काफ़ी बिजी चल रहा था, कुछ गर्मी बहुत ज़्यादा है आज, देख सकते हैं आप लोग, धूप बहुत ज़्यादा है। तो अभी जो है वो बादल आना स्टार्ट हुए हैं, अल्लाह करे आज बारिश आ जाए। तो अभी मैं रेडी हुई हूँ, मुझे कहीं जाना है काम से, तो रेडी होकर बस अब मैं निकलने लगी हूँ। ये देखिए मेरा बैग है, बस मैं रेडी होकर निकलने लगी हूँ। तो जिस काम जा रही हूँ काम करती हूँ, दिन फिर फ्री होकर फिर आपसे मिलती हूँ। हेलो मिट्टू, इनका मेरे व्लॉग में आना लाजमी है। मिट्टू देखो, जब इनको मैं वीडियो बनाती हूँ सारे इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं, जैसे पता नहीं इनका फ़ोटो शूट करने लगे हैं। मिट्टू ओए, एक उधर बैठा है, एक उधर बैठा है, ये दो बीच में बैठे हुए हैं। चलो जी, तुम भी आ गए हो। अच्छा, ये सब एक लाइन, ओ वाह, एक लाइन में होके बैठ रहे हैं, उसने उसके लिए जगह भी छोड़ी। चलें जी, अब हम चलते हैं, बाद में आना स्टार्ट हो गए, चलते हैं। तो फिर जाके अच्छा जी, यहाँ पे मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी वॉइस क्योंकि मेरे साथ कुछ फ्रेंड्स थे। तो उसमें ये है कि फिर हम जैसे ही हम फ्री हुए अपने काम से तो फिर हम चले गए इस्लामाबाद। हमने कहा चलें देखते हैं इस्लामाबाद में क्या रौनक वगैरह है, क्योंकि कल 14 अगस्त है, बल्कि आज रात को 12 बजे स्टार्ट हो जाएगी। तो जी तुसी देख सकते हो जी के इस्लामाबाद के रोडों की किन्नी रौनक है, जगह जगह स्टॉल लगे थे, रोड अज रात में ब्लॉक होने, जगह नहीं होनी किसी जगह चीज़ की भी। फिर हम लोग आए हैं ये मोए मॉल इस्लामाबाद एफ 11 में है, प्यारा बना है माशाल्लाह ये। तो अभी मैं जो काम अपने करने थे उनसे फ्री हुई हूँ, देन मैंने कहा चलें, मेरे कुलीग थे तो मैंने उनसे कहा कि चलें हम देखते हैं इस्लामाबाद में कैसा है। ओके, हमारा बैग है, आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा, एक सीरिया ना हमारा बैग कैरी करना, कितना प्यारा ही मैंने देखा है 14 अगस्त का, काफ़ी प्यारा नहीं मिल जाते, ये नियम हाल है। मैं फर्स्ट टाइम इसमें विजिट के लिए आई हूँ, मैंने कहा चलें इसमें भी चलते हैं, चलते हैं जी। स्टाइल आउटफिटर्स पे 30% ऑफ लगा हुआ है, आउटफिटर्स पे लगा हुआ है 30% ऑफ। अच्छा, हमने किस पे जाना था? यह देखे ना, यहाँ पे मेकअप है ना, मेकअप है यहाँ पे। ये देखिए नेल पेंट,
जी बिल्कुल डाल दो। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने रिकॉर्ड तो कर लिया था लेकिन मैं व्लॉग से इसलिए नहीं बना सकी। तो ये मॉल जो है अभी इसमें बहुत काम हो रहा है, बहुत से शॉप्स की, बहुत से ब्रांड्स की ओपनिंग भी नहीं हुई तो अभी, लेकिन वैसे मॉल की ओपनिंग हो गई है, बहुत सी शॉप्स ओपन हो गई हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो गज़ का इन्होंने काफ़ी सारी डेकोरेशन की हुई है, बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मे बी और थोड़ी डेकोरेशन हो, लेकिन मैंने जो देखा तो बहुत प्यारा लग रहा है, आप लोग भी देखें कितना प्यारा लग रहा है। और इसमें विज़िट ज़रूर करना, मैं नेक्स्ट टाइम अगेन दोबारा जाऊंगी तो फिर इंशाल्लाह पूरा विज़िट करूंगी, मे बी सब कुछ ओपन हो गया हो। देखिए कितना सोना लग रहा है यार, मुझे पंजाबी, आप लोग माइंड ना करना, मुझे पंजाबी बोलने का बहुत आजकल जुनून चढ़ा हुआ है। वो पलवशा आंटी को देख देख के ना, वो बहुत मज़े की पंजाबी बोलते हैं, अगर उनके तक मेरा ब्लॉग पहुँचे तो उनको देखने में बहुत। ये देखेंगे, वहाँ से फ्री होके हम आ गए थे आईएट मरकज़, वहाँ से मैंने स्वीट क्रीम से मैंने खानी थी आइसक्रीम, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम टेस्ट की तो बहुत मज़े की थी, आइसक्रीम खाई, देन फिर यहाँ से मैं फ्री होके घर आ गई। रास्ते में बहुत ट्रैफिक थी, व्लॉग बनाया लेकिन मे बी आपको उसकी आवाज़ ना आए कुछ भी। अभी मैं जा रही हूँ घर वापस, देख सकते हैं आप लोग यार बहुत ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और शदीद गर्मी है। तो उस टाइम तो मैं गाड़ी में थी तो एसी चल रहा था, तो वो मेरी कुलीग है तो उनके साथ मैं गई थी। तो आप लोग भी क्या कहते, तुम भी कहते होएंगे कि पहले रिक्शे से जाती है फिर गड्डी से फिर रिक्शे से वापस आती है। यार मुझे पंजाबी बोलने का बहुत शौक है, मुझे पंजाबी सीखनी है। वो हमारी एक आती हैं ब्लॉगर्स भी हैं और फेसबुक पर लाइव आती हैं, पलवशा आंटी कुकिंग करती हैं लंदन से ना, तो वो बहुत मज़े की पंजाबी बोलती, तो उनको देख देख के और बहुत मज़े की पंजाबी बोलती, उनको देख देख के मुझे शौक चढ़ा है। और दूसरा ये कि मेरी दो फ्रेंड्स हैं और दोनों ही पंजाबी बोल लेती हैं और बहुत मज़े, दोनों फैसलाबाद से हैं, ठीक है। तो इसके अलावा मेरी कोई फ्रेंड नहीं है यार, बहुत रश है देख सकते हो, हर तरफ से पाँ पाँ पी पी की आवाज़ आ रही है, पी पी पाँ पाँ, तो लोग मुझे देख रहे हैं कि मैं किससे बातें कर रही हूँ, मैं वीडियो कॉल पे लगी हुई हूँ, क्या सीन है। तो मेरी दोनों फ्रेंड्स हैं वो भी फैसलाबाद की, उनको पंजाबी बोलती हैं तो उनको भी देख के मुझे थोड़ी बहुत बोलने आ गई, कुछ को पलवशा आंटी को देखती हूँ उनको भी देख के मुझे बोलने आ गई है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं भी आजकल शुरू करती हूँ ब्लॉग से पंजाबी बोलना, गलती गुलती हुई तो आप कट दिया करो, ठीक है, बता दिया करो कि मैंने गलत बोला है कमेंट्स में, ठीक है। तो बाकी यार आप लोग देख सकते हो कि रश बहुत ज़्यादा रश है यार, ऊपर से गर्मी बहुत ज़्यादा हुई थी आजकल। चलो ठीक है, अभी घर पहुँच के फिर आपसे मिलती हूँ। अच्छा गाइस, ये देखिए यार मैं घर आ गई थी क्योंकि रास्ते में बहुत रश था कि मैं व्लॉग नहीं बना सकी, बहुत ज़्यादा रश था मतलब व्लॉग नहीं बना सकी। तो अभी मैं आई हूँ आके, रेस्ट वगैरह की है, अभी हिम्मत जो है मेरी बिल्कुल जवाब दे गई है, तो व्लॉग को मैं आगे कंटिन्यू नहीं करूँगी, यहाँ पर मैं व्लॉग को एंड करूँगी। अभी सब नीचे जो है वो नमाज़ वगैरह पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज अम्मा को व्लॉग में नहीं लेके हैं यार, अभी देखिए मौसम अच्छा होता जा रहा है। इस्लामाबाद में तो मौसम काफ़ी अच्छा था, इधर पिंडी में जो है थोड़ी गर्मी थी यार। वो कितने प्यारे व्यूज़ आ रहे हैं, देखिए सूरज ग़ुरूब हो रहा है और बीच में बादल हैं और ये वो, और यार वो क्या कहते हैं, अगर असद इमरा मेरा व्लॉग देखते हैं तो, क्योंकि मैं उनके सारे हिना के और एमडी के और असद निमरा के और बिलाल के, निमरा के भाई के, मैं सबके व्लॉग्स देखती हूँ, डेली व्लॉग्स देखती हूँ। तो अगर वो लोग मेरा व्लॉग अगर देख रहे हैं, कोई उनमें से कोई एक भी देख रहा होगा तो उनको मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी, असद और निमरा के बेटे की, माशा तो अल्लाह पाक उसके नसीब अच्छे करें और इमरा को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाएँ, ठीक है, और उनको ढेरों खुशियां नसीब करें, आमीन आमीन। तो व्लॉग में मैं डालूंगी कुछ पिक्चर्स उसकी, माशाल्लाह मुझे बहुत क्यूट लगा, मेरा भी एक ही भांजा है,
तो छोटी सिस्टर का, मेरा भी एक ही भांजा है, तो मैं अभी इकलौती खाला हूँ उसकी। तो यहाँ पे मैं ब्लॉग को एंड करूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, कर दिया करो सब्सक्राइब, देखते हो। और ऐसा भी होता है कि सब्सक्राइबर रात को बड़े होते हैं, सुबह उठ के देखो सब्सक्राइबर कम होते हैं, ये बात मुझे लॉजिक समझ नहीं आती, आप लोग क्या करते हो इसको? ऐसे मत किया करो यार, किसी की दिल आज़ारी मत किया करो। ज़रा सी खुशी होती है कि सब्सक्राइबर बढ़े हैं तो आप लोग फिर वो कर देते हो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट्स करो और शेयर भी किया करो। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूला करो यार, ठीक है।